हेलो स्टूडेंट, क्लास इलेवेंथ इंग्लिश। हमने खुशवंत सिंह की नॉवेल या स्टोरी एक पढ़ी थी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर अर्थात दादी के साथ गांव में रहता है, फिर गांव से शहर शिफ्ट होता है, फिर शहर से विदेश में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। इस पूरी घटना को उसकी मदर ग्रैंड मदर के साथ क्या रिलेशनशिप था, ये हमने आपको समझाया था। उन्हीं के क्वेश्चन आंसर आज अपन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब ये कॉपी करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में स्टार्टिंग में राइट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द 3 प्लेसेस ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर लाई लेफ्ट एल्स कंट्री टू द स्टडी अब्रॉड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3 प्लेसेस बताइए जिसमें ऑथर जब अपने देश से विदेश की स्टोरी विदेश से विदेश में पढ़ने के लिए चला जाता है, तो उसके पहले के उसकी ग्रैंड मदर के साथ संबंध को बताइए। आंसर है, द 3 प्लेसेस ऑफ ऑथर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर 3 प्लेसेस जब ऑथर यानी राइटर यानी लेखक अपने हायर स्टडी के लिए विदेश चला जाता है, तो उसकी दादी के साथ संबंध। नंबर 1, चाइल्डहुड, व्हेन ही वेंट टू विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम। जब बचपन में स्कूल जाता था गांव के, तो उसके मदर ग्रैंड मदर उसको तैयार करती थी और स्कूल के साथ जाती थी। सेकेंड, बॉयहुड, जब वह अपनी यंग एज की तरफ स्टार्ट हुआ, जब बचपना था। व्हेन ही वेंट टू सिटी स्कूल इन अ बस ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर बट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडी। जब वह बस से स्कूल जाने लगा शहर में, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी हेल्प करना बंद कर दी। थर्ड, अर्ली यूथ, जब वह जवान हुआ। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉट स्नैप्ड। जब वह और बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसकी ग्रैंड मदर और उसके बीच के संबंध समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, इसमें वर्ड लिख लीजिएगा राइट। राइट 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब ग्रैंड मदर और उसके बीच में संबंध खत्म होने लगे, तो उसके 3 कारण लिखिए। द 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर 3 कारण जब ऑथर की ग्रैंड मदर और उसके बीच में संबंध समाप्त हो गए। नंबर 1, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर वेस्टर्न पाश्चात्य विज्ञान और उसको सिखाने में घृणा करती थी। दूसरा, शी वॉज पेंटेड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। उसने ये भी देखा कि उसमें कोई भी भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तीसरा, शी वॉज एलर्जी टू म्यूजिक, उसको म्यूजिक से घृणा थी। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉल, यह एक सब आदमी के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स, यह केवल प्रोस्टिट्यूट्स और भिखारियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, द 3 वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंट हर वे आफ्टर ही गेव इट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब 3 कारणों तो बताइए, राइट द 3, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राइट द 3 वेज, इसमें लिख लीजिएगा राइट। राइट द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड अ डे आफ्टर ही ग्रो अप, जब वह बड़ा हो गया तो उसकी ग्रैंड मदर अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, ये बताइए। आंसर है, द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप आर, जब वह बड़ा हो गया, ग्रो अप है ना, जब बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, जब वह बड़ा हो गया तो उसकी ग्रैंड मदर किन 3 तरीकों से अपना समय व्यतीत करती थी, वो इस प्रकार है। नंबर 1, शी लिव्ड अलोन इन हर रूम
एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। वो अपने घर में रहना उसने अकेले स्वीकार कर लिया था, लोनलीनेस अकेलापन, क्वाइटली यानी शांति के साथ। सेकेंड, सी सेट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर। वो अपना सिलाई की मशीन के साथ पास बैठ जाती थी और भगवान की प्रेयर गाती थी। इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरो फॉर हाफ एन आवर। वह दोपहर के बाद स्पैरो यानी गिरोइयों को दाना खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैव जस्ट बिफोर शी डाई। राइट द ऑड वे, इस पर भी लिख लीजिएगा, राइट द ऑड वे इन विच ऑथर्स ग्रैंड मदर गेव जस्ट बिफोर शी डाइड। जब ग्रैंड मदर खत्म हुई उसकी, तो उसके जस्ट पहले उसके साथ क्या क्या अजीब हुआ या किस तरह अजीब हुआ ये बताइए। आंसर है, जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट व्हाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम। देखिए, जस्ट उसकी डेथ के पहले आपको बताया था मैंने कि ऑथर इंग्लैंड से लौटता है, तो ग्रैंड मदर क्या करती है, एक उत्सव को सेलिब्रेट करती है और ड्रम बजाती है यानी ढोलक बजाती है आसपास के लोगों को बुला के। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। वह और समय नहीं समाप्त करना चाहती थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीड्स। वह जाकर अजीब हो गई थी और उसने जाकर अपने बेड पर लेट गई और जो बीड्स का मतलब हो गया जो माला रहती है, माला में जो मनके लगे रहते हैं उसको वो प्रे कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, द वे पैरो एक्सप्रेसेस द सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाई। राइट द वे व्हेन द स्पैरो व्हेन ग्रैंड मदर डाइड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्पैरो। अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्थात गोरैयों ने अपना एक्सप्रेशन किस प्रकार से व्यक्त किया जब उसकी ग्रैंड मदर खत्म हो गई। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। हजारों चिड़िया गोरैया चिड़िया ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के पास आकर इकट्ठे हो गई और बैठ गई। देयर वॉज नो चर्पिंग। चर्पिंग यानी चरचराना यानी चराहट, जो चिड़िया बोलती है चू 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 चू। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पर कोई चलमाहट नहीं थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑफ देम। अब ऑथर की मदर ने चिड़ियों को कुछ ब्रेड के टुकड़े दिए। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन्होंने बिल्कुल इन टुकड़ों के साइड नहीं देखा। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज कैरिड ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी जाने लगी तो वे शांति के साथ उठ के चली गई। दस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो, इस प्रकार गोरैया चिड़ियों ने अपना दुख जताया था। मैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस पर्सन। ऑथर की ग्रैंड मदर एक धार्मिक महिला थी। वॉट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस। हम इस चीज़ को किस प्रकार से बता सकते हैं। आंसर है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी। वी कम टू नो दिस थ्रू द डिफरेंट वे ऑफ हर बिहेवियर। हम ये चीज उसके विभिन्न प्रकार के व्यवहार से जान सकते हैं। सी विजिटेड द टेम्पल वेरी मॉर्निंग एंड रीड स्क्रिप्चर्स। वह सुबह सुबह मंदिर में जाती थी और वहाँ पर शास्त्रों को पढ़ती थी। एट होम she always mumbled inaudible prayer and keep telling the beads of rosary. At the home she was mumbled inaudible prayer. वह ऐसे बुदबुदाती थी कुछ मंत्रों के साथ, और जो beads of rosary होता है यानी माला के मन के, उन पर कुछ कुछ बोलती थी। She would repeat prayer in a sing song manner while getting the writer ready for school. वह प्रेयर को बार बार गाती थी जब तक राइटर या ऑथर या खुशवंत सिंह स्कूल नहीं चला जाता था। शी होप दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट।
She didn't like English school as there was no teaching of God and Scripture. वह इंग्लिश स्कूल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पर ईश्वर के बारे में और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. इवन बाइल स्पिनिंग हर स्पिनिंग व्हील शी वुड डिसाइड टू हर. जब तक वह चरखा चलाती थी यानी सिलाई वगैरह करती थी तब तक वह बार बार पेयर को दोहराती रहती थी. परहैप्स इट वॉज ओनली वंस दैट शी फॉरगॉट टू से हर प्रेयर. इट वॉज ऑन द इवनिंग प्रायर टू हर डेथ व्हेन शी फेल्ट ओवर एक्साइटेड while celebrating the arrival of her grandson with song and beating of drum. वह केवल एक ही बार भूली थी जब उसका grandson विदेश से बाहर आया था और वह celebrate कर रही थी और drum बजा रही थी. She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath. वह अपनी अंतिम सांस तक की स्थिति में प्रेयर गा रही थी और मनके की माला को दोहरा रही थी. तो बच्चों आप इतना अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे. अभी कुछ क्वेश्चन आंसर और इनके मैच द कॉलम वगैरह में नेक्स्ट क्लास में करा के आपको नए एक पोयम वाला पार्ट फोटोग्राफ में कराता हूँ. ओके बाय.